इस असीम चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि वालों को आज संतान की तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है। तो अपने संतान का ध्यान रखें। आपके अधीनस्थ कर्मचारी और नौकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। हिम्मत और पराक्रम आपका बना हुआ रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज का दिन आपके लिए काफी उन्नतिदायक रहने वाला है। आपकी उन्नति हो सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। डूबा हुआ फंसा हुआ कोई धन भी प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहनों से सहयोग तथा लाभ आपको आज मिल सकता है। विद्यार्थी की बात करें अगर, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी आ सकती है। कैरियर में संघर्ष के योग बन रहे हैं, लेकिन संघर्ष के पश्चात सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज के दिन चुकंदर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर रहने वाला 9। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृष राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भगवान की पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने के योग आपके बन सकते हैं। अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं आज मेहमान बनकर अगर जाते हैं तो आपका स्वागत वहां बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। मेहमान नवाजी का पूरा आनंद आप उठा पाएंगे। मित्रों तथा बड़े भाई बहनों के सहयोग से करियर में सफलता मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापार और धन की बात करें, भाग्य में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सफलता की प्राप्ति आपको होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है। आज स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने जीवन साथी के भावनाओं का ध्यान रखें, इससे आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। आज के दिन बादाम खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग, लकी नंबर 5 रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा चौथे स्थान में आज विराजित है, जिसके फलस्वरूप मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कार्य को फंसे हुए कार्य को बनाने वाला दिन है। जितने भी आपके रुके हुए फंसे हुए कार्य हैं, उन सबको खत्म करने की कोशिश करें। आज उनको खत्म करने में सफलता की प्राप्ति भी होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी कुंडली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ति होगी और उनके कार्य भी बनेंगे। साथ ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पड़ोसियों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें। उनसे लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, तो उत्तम यही रहेगा कि अपने आप पर नियंत्रण रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी ना करें। व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापार में आज हानि हो सकती है आपको। व्यर्थ के और फिजूल खर्चों से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन खर्चीला रह सकता है, तो आपको भी अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपको मध्यम रहने वाला है। आज के दिन किसी प्रकार की मानसिक परेशानी रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, तो इस चिंता से निकलने की चिंता करें। साथ ही मौसमी बीमारियों से सचेत रहें। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहने वाला है। जीवन साथी से वाद विवाद हो सकते हैं, तो आपको आज आपसी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। आज के दिन ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर, लकी नंबर रहेगा 6। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अपने से बड़े माता पिता या बड़े भाई बहनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। मान सम्मान भी मिलेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऑफिस में, सगे संबंधियों में, मित्रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज का दिन कुल मिला के आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो कर्क राशि वालों के लिए आज अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। मकान और घर बनने के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज दिन काफी लाभदायक भी रहने वाला है। आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। अगर आज दिन कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले
वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामान्य रहने वाला है। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, सफलता इसी से मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। आज के दिन दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग मैरून रंग, लकी नंबर रहेगा 4। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्चीला रह सकता है। धार्मिक कार्यों पर और मांगलिक कार्यों पर आपके खर्चे हो सकते हैं। आपको आज कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रसन्नता में आपकी वृद्धि होगी। दिन भर खुश रहेंगे। आत्मसम्मान से भी आपका दिन भरा हुआ रहेगा। जहां कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। व्यापार और धन की बात करें, व्यापार करने वाले जातक आज थोड़ा संभल कर रहे हैं। अनावश्यक खर्च आपके हो सकते हैं, जिसका पूरा प्रभाव आपके व्यापार पर पड़ेगा। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। माँ सरस्वती का स्मरण करें, मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है। गैस से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तले भुने और मसालेदार खानों से दूर रहें। प्रेम संबंध की बात करें, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ सकती है। विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। आज के नींबू अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग, लकी नंबर 1 रहने वाला है। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आज के दिन आप अपने पराक्रम के बल पर और मेहनत के बल पर अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। यात्रा के भी योग बन रहे हैं आपके लिए और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। व्यापार के लिए, जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहयोगी भी मिल सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार के लिए आज के दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन आपके लिए अच्छे संयोग बन रहे हैं। आज के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों को आज निंद्रा ज्यादा आ सकती है, तो अपनी निंद्रा पर नियंत्रण रखें और अपना ध्यान अपने पढ़ाई पर लगावें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन उत्तम रहने वाला है। आज नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। आज के दिन दही खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर 5 रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा 12वें स्थान में विराजित है, जिसके प्रसव तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां खाने के योग बन रहे हैं। परिवार में तथा रिश्तेदारों में आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा। व्यापार और धन की बात करें, बचत में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ होगा। बैंक बैलेंस और बचत आपकी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज आपके लिए वस्त्र, आभूषण और रत्न खरीदने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ सकता है, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, साथ ही अनिद्रा का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी से दिन भर में कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है, तो आपसी सामंजस्य बना के रखें। आज के दिन ऑरेंज यानी कि संतरा खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग, लकी नंबर 4 रहने वाला है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृश्चिक राशि वालों के करियर के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपको परिवारजनों का पूरा साथ मिलेगा, खास करके छोटे भाई बहनों से। ऑफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग, जो भी साथ में काम करते हैं ऐसे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज के दिन आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। पिता का भरपूर सहयोग भी मिल सकता है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो वृश्चिक राशि के जो जातक भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान, मोबाइल फोन, फ्रिज, कपड़े इत्यादि, उनके लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। उनके व्यापार में वृद्धि होगी। कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे जरूर मांगें, वहां से पैसे आपको आज मिल सकते हैं।
विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत का पूरा फल आपको जरूर मिलेगा, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतीत करें, संबंध इससे आपके और भी ज्यादा मधुर होंगे। आज के दिन बादाम खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नारंगी रंग, लकी नंबर 1 रहने वाला है। बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा आज 10वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप धनुराशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जहां कहीं भी जाएंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भविष्य के लिए आप कोई सकारात्मक योजना आज बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है। व्यापार और धन की बात करें, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे मकान, भूमि, वाहन। माता के सुख में वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुचि बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने लक्ष्य को साधने के लिए विशेष रणनीति बनाएं, इससे आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन आपकी मानसिक शांति अस्थिर रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी से आपसी सामंजस्य बना के रखने का प्रयास करें। आज के दिन ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग फालसही रंग, लकी नंबर 9 रहने वाला है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा 9वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मकर राशि वालों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। भगवान की कृपा भी आप पर बनेगी। सरकारी ऑफिस से संबंधित कार्य आपके आज सफल रहने वाले हैं। व्यापार और धन की बात करें, धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार में भी लाभ होगा, ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन उत्तम रहने वाला है। माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन गैस से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है, तो बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन सेब खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग, लकी नंबर 8 रहने वाला है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा 8वें स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आज निखार आ सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। आज के दिन अपने व्यक्तित्व पर विशेष तौर पर ध्यान दें। आज के अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े। पड़ोसियों तथा छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने वाहन को नियंत्रण में चलाएं, धीरे चलाएं। आज लड़ाई झगड़े के साथ साथ दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। आज के दिन जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अंत में बताए गए शुभ खाद्य को खाकर ही निकलें, ताकि घर से बाहर आपको किसी प्रकार के दुर्घटना या लड़ाई झगड़े का सामना ना करना पड़े। व्यापार और धन की बात करें तो आय की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, फिर भी अपने व्यापार पर ध्यान दें, फिजूल खर्चों से तो बिल्कुल बचें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाएं। आज आपका मन अपेक्षाकृत ज्यादा चंचल रह सकता है, पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है। मानसिक तनाव यानी कि किसी प्रकार की चिंता रह सकती है आपको, तो अपना ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें, जीवन साथी से सामंजस्य बना के रखने का प्रयास करें। जीवन साथी से आज मनमुटाव होने की संभावना बन रही है, तो आपको ही अच्छे संबंध बना के रखने का प्रयास करना चाहिए। आज के दही खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग आसमानी रंग, लकी नंबर रहने वाला 5। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा 7वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा हुआ रहने वाला है। आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। परिवारजनों और सगे संबंधियों में आपस में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी कार्यों से आपको लाभ भी मिलेगा। आज किसी प्रियजन से अब आपकी मुलाकात हो सकती है। व्यापार और धन की बात करें तो आज पार्टनरशिप के माध्यम से व्यापार में लाभ हो सकता है। ससुराल के पक्ष से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है।
भूमि, प्रॉपर्टी और मकान के सुख में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तिगत सुख में भी वृद्धि होगी। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। बचत भी आपकी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज दिन उत्तम रहने वाला है। मेहनत करें, उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन की खुशियां बढ़ सकती है। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। आज दिन जौ या जौ से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर 1 रहने वाला है।